हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं कुछ स्मार्ट किचन टूल्स और गैजेट शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, जो कि आपके किचन के काम को कुछ हद तक काफी आसान कर देगा। साथ ही एक विंटेज क्लासिक किचन टूल भी शेयर करूंगी, जो कि फूड लवर्स को खास तौर पे बेहद पसंद आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स बिगिन। ये बड़ा सा डिब्बा आज ही डिलीवर हुआ है और आप सोच रही होंगी कि इसमें आखिर है क्या। जिन लोगों ने थंबनेल को अच्छे गौर से देखा होगा उन्हें तो शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें मेरी बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज है, ये नहीं भी तो 60-65 साल पुरानी चीज है, बिल्कुल विंटेज आइटम है, मेरी दादी माँ के जमाने की चीज है और मैं इसके लिए बिल्कुल तड़प रही थी। और ये है ब्लैक स्टोन का सिलबट्टा। आजकल के मॉडर्न किचन में ये शायद ही देखने को मिले, बहुत कम किचन में शायद ये आपको दिख जाए। आप में से कितने लोग इसे यूज करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो अभी जब मैं होम टाउन गई थी तब मैं वहां से ये सिलबट्टा लेकर आई हूँ। मुझे ये बेहद पसंद है और जैसा कि आमतौर पे होता है कि हस्बैंड्स को इसकी अहमियत पता नहीं चलती है और वो कह रहे थे कि क्या इसे यहाँ से ढोकर ले जाओगी, क्योंकि ये है बहुत भारी, नहीं भी तो 10 किलो का तो होगा ही। तो फिर मेरे बेटे ने आइडिया दिया कि क्यों ना इसे हम कुरियर कर देते हैं यहाँ से, यानी कि मेरे होम टाउन से। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से वहाँ पर पोछ पाछ के, और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा जब मुझे ये मिला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शिफ्टिंग के दौरान पता नहीं जो सामान मैंने लोगों को बांट दिए थे, दे दिए थे, उनमें कहीं ये भी तो नहीं चला गया। लेकिन लकीली ये मुझे मिल गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिलबट्टा नहीं मिलता है, लेकिन नया वाला जो सील लोढ़ा होता है उसमें कोई भी चीज पीसने से थोड़ा सा वो बालू का किरकिरापन फील होता है। और दूसरी बात, पुरानी चीजों से जो अटैचमेंट होता है उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट या उसका सब्स्टिट्यूट जल्दी पसंद नहीं आता है। और यहाँ मैं पोस्तू यानी कि खसखस की चटनी पीस रही हूँ, थोड़ा सा अदरक, एक जावा लहसुन और एक हरी मिर्च के साथ। बहुत लोग इसे भून कर भी पीसते हैं, थोड़े से तेल में थोड़ा सा जीरा डालकर इसे हल्के आंच पर भून लेते हैं और उसके बाद पीसते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा रॉ टेस्ट पसंद है इसलिए मैं इसे बिना भूंजे कच्चा ही पीसती हूँ। और ये अपनी जगह से खिसक रहा था तो नीचे वाइप लगा दिया है, तो अब आराम से पीस सकती हूँ। और हाँ, चटनी पीसते वक्त अगर आप नमक उसी समय ऐड कर देती हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है और महीन पिसता है। और ये तो आप भी मानेंगी कि सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी या फिर मसाले का जो स्वाद होता है वो मिक्सर ग्राइंडर में कहाँ। और खसखस तो मिक्सर ग्राइंडर में पीसा भी नहीं जा सकता। और ये देखिए इसका टेक्स्चर और स्वाद तो बस पूछिए मत, काश मैं आपको खिला पाती। और हाँ, यहाँ पर पानी डालकर वो भी समेट लिया जाता है, लेकिन चटनी पतली हो जाती इसलिए मैंने इसे नहीं समेटा। मसाला वगैरह पीसती हूँ तो इसे धोकर पानी भी यूज़ कर लेती हूँ, आमूमन जैसा कि हम मिक्सर ग्राइंडर में भी करते हैं कि अगर मसाला रह गया तो उसे पानी से धोकर यूज़ कर लेते हैं। और ये इतना हैंडी है, छोटा सा क्यूट सा, कि इसे आराम से मैं कहीं भी रख कर यूज़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। फिलहाल यहीं रख रही हूँ क्योंकि इसका पानी गर जाए फिर इसके जगह पर रख दूंगी। और इसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और यहाँ मैं कलौंजी फ्राई कर रही हूँ, यानी कि ये जो पतला वाला लंबा सा साबुत बैगन होता है उसमें मसाला फिल करके इस तरह से फ्राई करते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें मैंने मोटा वाला बैगन यूज किया था और खसखस का पेस्ट यूज नहीं किया था। और यहाँ गर्मा गर्म चावल, दाल, कलौंजी, सैलेड और ये चटनी जो कि मैं सालों बाद खा रही हूँ। चावल पे थोड़ा सा घी डालकर ये चटनी मिलाकर खाइए, इट इज सुपर यम। नेक्स्ट मैंने ये टैप एक्सटेंडर फॉसेट मंगवाया है अमेज़ॉन से ऑनलाइन। दरअसल मेरे किचन सिंक का जो नल है उसका एक्सटेंशन टूट गया। मैं जनरली इसी तरह के एक्सटेंशन यूज करती हूँ, लेकिन बीच में मैंने स्टील वाला जो एक्सटेंशन आता है इस तरह का,
उसे मैंने लगाया था, लेकिन उससे मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि वो एक डेढ़ महीना ही चला और फिर टूट गया। जबकि इस तरह का जो फॉसेट होता है वो बहुत यूजफुल होता है, इसमें से पानी बहुत अच्छे से स्प्रिंकल भी होता है। और इसके दो फायदे हैं, एक तो पानी की बचत होती है और दूसरा आप जब सिंक में काम करती हैं तो आपके कपड़े पानी के छींटे से गीले नहीं होते हैं। और इसे लगाना भी बेहद आसान है, आपको किसी प्लम्बर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे इजीली आप नल में फिक्स कर दीजिए और ये देखिए कितने अच्छे से पानी स्प्रिंकल होके आ रहा है। और ये 360 डिग्री रोटेट होता है तो आप चारों तरफ इसे रोटेट कर सिंक वगैरह अच्छे से धो सकती हैं और ये बहुत टिकाऊ है, नहीं भी तो साल भर ये चल जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और प्राइस भी रीजनेबल है। तो इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो नल है जो बिल्डर ने प्रोवाइड किया है उसमें जो आज मॉडर्न टेक्निक वाला फॉसेट होता है वो नहीं लग सकता है और मैं इसका एक स्पेयर हमेशा रखती हूँ। नेक्स्ट मैंने ये एक नॉनस्टिक पैन मंगवाया है जो कि मैंने ऑनलाइन देखा तो पसंद भी आ गया और यूजफुल भी लगा। वैसे तो मेरे पास नॉनस्टिक पैन है लेकिन वो काफ़ी बड़ा है तो उसमें ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ तो वो बहुत पतला बनता है और फैल जाता है, तो ये साइज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है और इसमें फ्लिप करने वाला फीचर है तो इसकी वजह से ये मुझे अच्छा लगा। मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो चूंकि ये नया है तो इस पे मैंने थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल करके हल्का सा गर्म करके इसे धो लिया और सीजन कर लिया और अब इसमें मैं ऑमलेट बनाऊंगी। ऑमलेट बनाने के लिए इस पैन का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। जनरली जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो होता ये है कि जब हम उसे पलटते हैं तो कभी कभी वो ठीक से पलट नहीं पाते हैं और इधर उधर छींटा पड़ जाता है या बाहर निकल जाता है उसका जो भी बैटर रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसे बस आप यूं फ्लिप कर दीजिए, पलट दीजिए तो ये बिल्कुल इस तरह से पलट जाता है बिना किसी मेस के। लेकिन जब मैंने इसे दोबारा से फ्लिप किया ना तो दूसरे साइड से ये चिपक गया, जबकि मैंने दोनों साइड में ऑयल लगाया था लेकिन फिर भी ये दूसरे साइड में ये देखिए बुरी तरह से चिपक गया। तो पता नहीं ये क्यों हुआ, नए होने की वजह से ऐसा हुआ या फिर नॉनस्टिक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, वॉट एवर द रीज़न इज़, इसकी वजह से मुझे थोड़ी निराशा हुई और मैं सोची अच्छा ठीक है एक बार और ट्राई करूँगी, लेकिन फिर भी मुझे 100% रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसलिए अभी मैं इसी उधेड़ बुन में हूँ कि इसे रखूँ या फिर वापस कर दूँ। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लिप करने वाला, बशर्ते कि ये ठीक तरीके से काम करता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा वाला नॉनस्टिक पैन लेना ही बेहतर होगा। और अगला प्रोडक्ट है ये फिलिप्स का इलेक्ट्रिक जूसर और इसका रिव्यू तो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर दे सकती हूँ क्योंकि इसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी शिकायत के, और ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला था। ये बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सड सेटअप है, यहाँ सामने ग्लास है जिसके थ्रू आप देख सकती हैं और मेजर कर सकती हैं कि कितना लीटर जूस निकला। तो बस पीछे से जब हम स्विच ऑन करेंगे और इसके ऊपर जो कट फ्रूट है वो रखेंगे तो इसके ऊपर का अटैचमेंट जो है वो रोटेट होने लगता है और ये बहुत नॉर्मल स्पीड से घूमता है, तो बिल्कुल एफर्टलेस प्रोसेस है, किसी तरह की मेहनत नहीं लगती है और जूस बहुत इजीली निकल जाता है। ये देखिए पूरा अच्छे से इसका जूस निकल गया है और जितना भी बीज सीड्स वगैरह है वो इस तरह से छन जाता है और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, किसी भी छोटे से जगह पर रखकर इसे आप यूज़ कर सकती हैं। बस ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप सिर्फ मौसमी या संतरे का जूस निकाल सकती हैं, लेकिन अगर आइटम गिफ्टेड हो तो फिर किसी तरह का ड्रॉबैक उसमें नज़र ही नहीं आता है। और इसे धोना भी बेहद आसान है, बस नल के नीचे प्लेन वाटर से इसे इस तरह से धो लीजिए और ये साफ हो जाता है। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं फंसा हुआ है तो बहुत इजीली ये साफ हो जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती और इसके नीचे जो जूस वाला मग है उसे भी इस तरह से ही साफ कर लेना है और नीचे का जो बेस है उसे मैं वेट वाइप से पोंछ कर रख देती हूँ।
तो बहुत ही इजी प्रोसेस से आप फ्रेश, प्योर और हेल्दी जूस का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है ये 4-in-1 फ्लेक्सिबल सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल स्पाउट क्लीनिंग ब्रश। वैसे तो ये आपको किसी भी लोकल स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसे अमेजोन से मंगवाया है क्योंकि मुझे सेम टू सेम क्वालिटी का नहीं मिल रहा था। इसे बेसिकली आप जो किचन में नैरो नेक वाले बर्तन या फिर टूल्स होते हैं उन्हें साफ करने के लिए यूज कर सकती हैं, जहां कि आपका हाथ आसानी से नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि बेबी सिपर हो गया या स्टील का स्ट्रॉ हो गया या फिर चाय की केतली, चाहे वो ग्लास की हो या सिरामिक या फिर स्टील की केतली, या फिर आप इसे जो ऑयल डिस्पेंसर्स आते हैं उसके ऑयल कैप्स को भी इसकी मदद से आप साफ कर सकती हैं। मैं इसे फनल का जो पाइप होता है उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। उसमें जब हम तेल या फिर सॉस या फिर सिरप वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं बॉटल में, तो वो बेहद गंदा हो जाता है उसका पाइप, और यहाँ हाथ पहुँचता नहीं है साफ करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डालकर इस क्लीनर से बहुत ही आसानी से साफ कर सकती हैं। और इसके नायलॉन ब्रिसल्स, जो कि सॉफ्ट होने के साथ साथ काफ़ी फर्म होते हैं, इस नोजल के अंदर छिपी हुई गंदगी और चिकनाई को साफ करने के लिए, और वो भी बिना किसी स्क्रैच या फिर डैमेज के। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया। और इसे मैं अपने फूड प्रोसेसर का जो आटा मलने वाला जार है उसके अंदर जो अटैचमेंट है उसे भी इसी ब्रश से साफ करती हूँ। ये देखिए इसका नोजल कितना नैरो है, तो उसमें मैंने डिटर्जेंट डाल के और फिर इस तरह से इस ब्रश को बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर घुमाते जाती हूँ, तो बहुत ही ईजिली सारा जो चिपका हुआ पदार्थ रहता है वो निकल आता है। और अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप इसे कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रख दें, तब तो और भी इजीली ये साफ हो जाता है। और ये देखिए ये बिना ज़्यादा मेहनत के बिल्कुल अंदर तक कितनी अच्छी तरह से साफ हुआ है, ये हाथ से तो मुमकिन नहीं था। और इसका ये जो स्टेनलेस स्टील वाला ट्विस्टेड वायर है या फिर हैंडल कह लीजिए, ये फ्लेक्सिबल तो है लेकिन बिल्कुल बेंड नहीं होता है। ये उतना ही फ्लेक्सिबल है कि आप नोजल के अंदर इसे आसानी से घुमा फिरा सकें, लेकिन ये मुड़ता नहीं है और ब्रिसल्स को बहुत स्ट्रॉन्गली पकड़ कर रखता है। और ये 4-in-1 ब्रश के ऊपर इस तरह का एक रिंग बना हुआ है जिसकी मदद से आप इसे हैंग करके रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।